घर का बंटवारा। अरे विनोद, तूने हलवाई को सारा सामान तो दे दिया है ना? अक्षय की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आखिर सबसे छोटा भाई है तुम सबका। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मंगल बेटा, तूने तो कहा था कि फूल का ऑर्डर दे दिया है, यहाँ तो फूल पहुँचे ही नहीं, अब क्या बहू की विदाई के बाद फूल आएंगे? माँ, मैंने अभी बात की है फूल वाले से, वो रास्ते में ही है। आप किशोर भैया से क्यों नहीं कहती कुछ करने को? किशोर पहले ही मेरे बताए काम कर रहा है, पास के सभी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को कार्ड वही तो देकर आया था, रिसेप्शन के लिए हॉल भी उसी ने बुक किया था, टेंट कुर्सी वालों को भी तो वही देख रहा है। पर कई मोहल्ले वाले तो हमारे भरे पूरे परिवार से जलते भी है, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? बेटा, शादी ब्याह में तो बुलाना ही पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? दादी दादी, देखो ना, हलवाई अंकल हमें लड्डू नहीं दे रहे, आप इनको डांटो ना। अरे चैन सुख, दे देना बच्चों को लड्डू, क्यों तंग कर रहा है इन्हें? बीबी जी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन लड्डू बनते ही ये बच्चे उठा उठा कर खा लेते हैं। अरे मैं तो इन्हें थाल में रख के परोस भी नहीं पा रहा। भागो, अब कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। भागो भागो, अब कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज इस घर के सबसे छोटे बेटे अक्षय की शादी है। घर में बहुत चहल पहल है। कुलभूषण की बीवी कमला को फुर्सत ही नहीं है कामों से, लेकिन कुलभूषण और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? आइए देखते हैं। अजी, आप यहाँ आराम से बैठकर गाने सुन रहे हो और घर में अभी तक इतने काम बचे हैं करने को? अरे भाई, मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी है, इसके बाद तो मैं अब चिंता मुक्त हो ही जाऊंगा, और फिर घर में तुम हो, बेटे बहुएं हैं, तुम लोगों के होते हुए मैं क्यों काम करूं? मैं तो शान से बेटे की शादी में जाऊंगा, तैयार होकर। अरे ठीक है, अब आप आराम ही कीजिए, एक बार अभिषेक की बीवी आ जाए फिर मैं भी आराम करूंगी, और मेरी चारों बहुएं पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल लेगी। इतना कहकर कमला वापस अपने काम में लग जाती है। बेटा भी, तू अब तक तैयार नहीं हुआ, किससे बात कर रहा है फोन पर? तैयार कैसे हूँ, सैलून जाने से तो आपने मना किया है क्योंकि मुझे हल्दी लग चुकी है, भाभियों को देखो सुबह से पार्लर में। अक्षय की शादी हो जाती है और नंदिता बहू बनकर घर आ जाती है, लेकिन इस घर की खुशियों को मानो किसी की नजर लग गई थी। नंदिता के आने के बाद आए दिन घर की शांति भंग होती रहती। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी को इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियाँ कहाँ संभालनी थी? अभी देखो ना, मेरे हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी है और तुम्हारी मम्मी ने मुझे घर के कामों में लगा दिया। मैंने सोचा था कि घर की सबसे छोटी बहू होने के कारण मुझे सब पलकों पर बिठा के रखेंगे, पर यहाँ तो पलक झपकने की भी फुर्सत नहीं मिलती। देखो नंदू, शादी के पहले ही मेरे घर वालों ने तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को बता दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो फिर अब ये शिकायत क्यों? और फिर तुमसे पहले मेरी भाभी भी तो आई थी शादी करके, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। नंदिता तब तो चुप हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलता। अरे नंदिता, माँ बाबूजी की दवाई का टाइम हो गया है, उन्हें दवाई दे आओ और उसके बाद सबके लिए नाश्ता बना देना। पर भाभी, मैं तो अभी अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ, प्लीज मेरी जगह आप कर लो ना ये काम। ठीक है, मैं तेरी जगह माँ बाबूजी को दवाई दे आती हूँ और नाश्ता बना लेती हूँ, तू मेरी जगह पूरे घर की डस्टिंग करके पांचों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके भेज देना, और दोपहर का खाना बनाने के बाद कपड़े धोकर सुखा देना, उसके बाद हम दोनों मिलकर बाजार जाकर सब्जी ले आएंगे, फिर डिनर की तैयारी कर लेंगे, और उसके बाद बस बस भाभी, मैं माँ बाबूजी को दवाई देकर सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हे भगवान, ये कहाँ लाकर फंसा दिया मुझे, मेरे घर में तो गिनती की 8 रोटियां और 2 सब्जी बनती थी और नाश्ता निपट जाता था,
यहाँ तो रोटियों का ढेर और सब्जियाँ बड़े बड़े पतीलों में बनानी पड़ती है। नाश्ता बनते बनते लंच का टाइम हो जाता है और लंच बनते बनते डिनर का। अभी मुझ में तुम्हारे पूरे परिवार का नखरा उठाने की और ताकत नहीं बची। मैं ऐसे नहीं रह सकती। अरे तो क्या चाहती हो तुम? मुझे अलग रहना है बस। तो ठीक है, हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे किराए के घर में। इतना बड़ा घर होते हुए हम किराए पे क्यों रहेंगे? ना जी ना, घर में ही दीवार खड़ी करो अपने हिस्से के आगे। घर के साथ साथ घर की खुशियों में भी दीवार खींच जाती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और नंदिता माँ बन जाती है। बच्चे के आने से अभिषेक के कंधों पर खर्चों का बोझ आ पड़ता है। अभिषेक का बोझ कम करने के लिए नंदिता भी पार्ट टाइम जॉब कर लेती है, लेकिन इससे उसके सर पर नौकरी, घर और बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नंदिता ये क्या है? तुमने घर भी ठीक से साफ नहीं किया, ना ही मेरे कपड़े धुले हैं। चिंटू के बाल भी कटवाने जाना था, देखो उसके बाल कितने बढ़ गए हैं। अरे करती क्या हो पूरा दिन तुम? मैं करती क्या हूँ? तुम्हारा नाश्ता और लंच बनाने के बाद चिंटू को डे केयर सेंटर पर छोड़कर आती हूँ, फिर खुद ऑफिस जाती हूँ। पूरा दिन काम करके आने के बाद बिना आराम किए बाजार से सब्जियाँ लेकर आती हूँ, घर आकर खाना बनाती हूँ, चिंटू को देखती हूँ, और क्या करूँ मैं? तो किसने कहा था अपने सर पर इतने काम लेने को? मत जाओ ऑफिस। ऑफिस जाए बिना घर के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? चिंटू की डे केयर का खर्च, उसके लिए बेबी फूड का खर्च, प्रेस वाले का खर्च, ये सब तुम्हारी सैलरी से होता नहीं है। अगर परिवार से अलग नहीं होती तो इतनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ती तुम्हें। तुम्हें परिवार के साथ मिलकर काम करने में दिक्कत थी, लेकिन काम तो अब भी बहुत है तुम्हारे सर पर। चिंटू को भी डे केयर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको गोद में खिलाने के लिए दादा दादी और घर के सभी बड़े होते, उसके साथ खेलने के लिए उसके भाई बहन भी होते। मेरे तीनों बड़े भाइयों के बच्चे भी बड़े हुए हैं, लेकिन बिना महंगा बेबी फूड खाए, क्योंकि मेरी माँ और भाभी आप बहुत अच्छे से जानती है कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए। बिजली के बिल जैसे खर्चे भी सब मिलकर बांट लेते थे, लेकिन तुम्हें तो सबसे अलग रहने में ही मजा आता है, तो अब शिकायत क्यों करती हो? बस करो अभिषेक, बस करो। मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी, मेरे एक गलत फैसले ने हमें बिल्कुल अकेला कर दिया है सबसे। एक घर में होते हुए भी हम बाकी परिवार से अजनबियों की तरह रह रहे हैं। अभिषेक और नंदिता की सारी बातें घर के बाकी लोगों को सुनाई दे रही थी, तभी कमला बोल पड़ती है। अरे नंदिता बहू, किसने कहा कि तुम अकेले हो? तुम्हारा इतना भरा पूरा परिवार है ना तुम्हारे साथ। हम तो बस ये चाहते थे कि तुम अपनी गलती समझ जाओ। अगर हम तुम्हें समझाते तो शायद तुम ना समझती, लेकिन अपनी गलती का एहसास तुम्हें खुद हो गया है, तो अब तुम समझ चुकी हो परिवार में एक साथ रहने का मोल क्या होता है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अरे माफी माफी बाद में, पहले मेरा पोता जरा मेरी गोद में तो दे और तू जाकर सबके लिए चाय बना ला।